हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो ये जब कभी भी आए एग्जाम में लिखने के लिए तो सबसे आसान तरीका है। आप तो जानते होंगे हम लोगों में क्या होता है, सबसे पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ओएसोफेगस, फिर गिजार्ड, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एनस। ये सब के बारे में जनरल बात लिख देंगे अर्थवर्म का, तो वही डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिज्म लिखना होता है तो मैकेनिज्म थोड़ा लिख दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। साथ में पिक्चर तो रहना ही चाहिए, इस तरीके का पिक्चर, तो यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो हम यही जानेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हैं अर्थवर्म का कि क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। द अर्थवर्म कैनाल ऑफ एलिमेंट्री इज लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं। इसमें बहुत अंत में क्योंकि एनस प्रेजेंट होता है तो इसलिए एनस का डायग्राम नहीं बना, लेकिन उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर माउथ पार्ट है, फिर बकल कैविटी है, फिर डक्ट्स ऑफ फेरिंजियल है, ये सब जो देख रहे हैं फेरिंजियल डक्ट है। उसके बाद इसमें ओएसोफेगस के पार्ट भी देखते हैं, गिजार्ड का पार्ट है, इंटेस्टाइनल सीकम है, फिर लिम्फ ग्लैंड्स है, टाइफोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ल्यूमेन। तो ये सब का अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। ये सब के बारे में लिखिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कौन सा पार्ट देखें, तो माउथ का पार्ट देखें। तो माउथ के बारे में यहाँ पर देखते हैं अर्थवर्म के माउथ के बारे में क्या है। तो यहाँ पर माउथ पार्ट ऑफ अर्थवर्म है कि इट इज़ क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब इसका माउथ इस तरीके से होता है, देख रहे हैं ये क्रिसेंट मतलब होता है अर्ध चंद्राकार की तरह इसका माउथ होता है इस तरीके से। तो यही क्रिसेंट शेप इन अर्थवर्म एंड इट इज सिचुएटेड इन द फर्स्ट सेगमेंटेड जस्ट बिलो द पेरी ओस्टोमियम। पेरी ओस्टोमियम इसका माउथ के सबसे फर्स्ट ओपनिंग होता है। इसी पेरी ओस्टोमियम के बाद ये वाला पार्ट दिखाई देता है, यहाँ पर यह माउथ दिखाई देता है। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, माउथ के बाद बकल कैविटी आता है जहाँ पर इंजेक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ। माउथ के द्वारा इंजेक्शन होता है फूड का, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। माउथ के बाद अब बात करते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, तो बकल कैविटी क्या है, यह एक सॉफ्ट वाइट एंड थिन वॉल ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम 2 से 3 पार्ट तक ये एक्सटेंड होता है। तो बकल कैविटी देख रहे हैं यहाँ पर, यही 2 से 3, एक फर्स्ट तो यहाँ पर रहता है, यहाँ मान लेते एक फर्स्ट में ये, फिर सेकेंड, ये थर्ड, तो 2 से 3 वाला पार्ट में बकल कैविटी एक्सटेंड होता है। तो वही बकल कैविटी के बात चल रहा है। फिर उसके बाद बकल कैविटी में है कि बकल कैविटी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, एक प्रोट्रैक्टाइल एंड एक रिट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं बकल कैविटी में। इट प्रोड्यूस आउट थ्रू द माउथ एंड हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड्स को पकड़ने में मदद करता है। द बकल कैविटी लीड्स इन टू फेरिंग्स, अब बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के देख ही चुके हैं, तो फेरिंग्स में यहाँ पर है कि इट इज़ ए स्मॉल स्वोलन पार्ट है, वाइडर पार्ट, थिक वॉल पियर शेप, और यह तीसरा से चौथा सेगमेंट में अकर्स होता है। इट इज़ वाइडर दैन द बकल कैविटी, इट हैज़ सलाइवरी चैम्बर विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फेरिंग्स ये तीसरा चौथा वाला पार्ट में होता है, तो इस यहीं पर देख रहे हैं ये फेरिंजियल वाला पार्ट है, ये सब फेरिंजियल तीसरा से चौथा के आसपास में प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। तो वही यहाँ पर पियर शेप्ड का फेरिंग्स देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद ओएसोफेगस, तो फेरिंग्स में एक और बात होता है कि इसमें सलाइवरी चैम्बर भी होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड को। अब ओएसोफेगस पार्ट देखते, तो ओएसोफेगस देख रहे हैं उससे और थोड़ा नीचे पार्ट आता है, तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो फूड इस तरीके से डायरेक्ट आते आते इस तरीके से पूरा इसके बॉडी में आता। तो वही है ओएसोफेगस के बारे में क्या है कि इट इज़ नैरो थिन वॉल्ड होता है, और उसके बाद यह जो होते हैं स्ट्रक्चर इस एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5th to 7th सेगमेंट, देयर इज़ नो ग्लैंड, इसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो ग्लैंड फूड पासेस एंड रीचेज 5th सेगमेंट, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है, और फूड पासेस एंड रीचेज द गिजार्ड, वह फूड इससे होते होते गिजार्ड के पास आता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं गिजार्ड के पास ओएसोफेगस से फूड आता है। फिर गिजार्ड में फूड का क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो गिजार्ड में फूड, सबसे पहले गिजार्ड जो स्ट्रक्चर है वह इट इज़ शॉर्ट स्ट्रक्चर, फिर नैरो थिन वॉल्ड ट्यूब है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम
15 टू लेकर से लास्ट सेगमेंट एक्सेप्ट एनस 15 से लेकर 17 एनस के छोड़कर जितने भी पार्ट है वो सभी गिजार्ड के पार्ट में आते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ सिलिएटेड वास्कुलर, इनर लाइनिंग होता है वह सिलिया वाला होता है, वास्कुलर होते हैं, फोल्डेड एंड ग्लैंडुलर वाला पार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गिजार्ड का। इंटेस्टाइनल वाल कंटेंट विलाई एंड वही रन मिड डॉर्सली बीचे बीच होते जाता है इसका इंटेस्टाइनल वाल। और यहाँ पर 27 से लेकर दैट इज 125 सेगमेंट तक होता है लगभग, तो वहीं तक ये इंटेस्टाइनल जो होते हैं विलाई वे पूरे जाता है अंत तक। तो अब इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहीं पर जो स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन विलाई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर तो देखे होंगे किस तरीके से, जो कि ऑब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे किस तरीके के डायग्राम है ये, चाहे आप कहीं से नेट से इससे अच्छे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो इंटेस्टाइन के तीन रीजन होते हैं। तो इंटेस्टाइन के जैसा कि यहाँ पर है कि इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स अकॉर्डिंग टू टाइपोसोलर, टाइपोसोलर रीजन होता है उसके हिसाब से। तो ये टाइपोसोलर पार्ट है इसका पूरे, तो ये वाला टाइपोसोलर है। तो एक इस साइड वाला पार्ट होता है वो, एक तो मेन पार्ट ये होता है टाइपोसोलर पार्ट है, फिर इससे इधर वाला पार्ट टाइपोसोलर से पहले पार्ट आता है तो इसको प्री टाइपोसोलर कहते हैं, और इसके बाद वाला पार्ट पोस्ट टाइपोसोलर। तो यही इंटेस्टाइन का जो पार्ट है तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक टाइपोसोलर रीजन, एक प्री टाइपोसोलर रीजन, एक पोस्ट टाइपोसोलर रीजन। तो वही यहाँ पर है, सबसे पहले प्री टाइपोसोलर रीजन में क्या होता है फूड का। तो प्री टाइपोसोलर रीजन दिस जो पार्ट होता है 15 से लेकर 26 पार्ट तक होता है ये प्री टाइपोसोलर रीजन, हैविंग विलाई विच इज बॉडी हाईली वास्कुलर होते हैं 26 सेगमेंट, हैव एक्सट्रीमली अ पेयर ऑफ फॉरवर्डली डायरेक्टेड लैटरल आउट ग्रोथ कॉल्ड इंटेस्टाइनल सीकम कहते हैं। और एक इसका आउट ग्रोथ भी दिखाई देता है जो कि इंटेस्टाइनल सीकम होता है यहाँ पर। तो ये इंटेस्टाइनल ये एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, तो यही वाला पार्ट है फॉरवर्ड है देख रहे प्री टाइपोसोलर रीजन में, तो ये इंटेस्टाइनल सिकम कहलाता है। तो ये प्री टाइपोसोलर के बारे में था, अब हम देख लेते टाइपोसोलर रीजन के बाद। तो टाइपोसोलर रीजन या सेकेंड और मिडिल पार्ट ऑफ बिटवीन 27 सेगमेंट अप टू 23 से लेकर 25 सेगमेंट के पास तक होता है इन फ्रंट ऑफ एनस। यहाँ पर इट इज़ हाईली ग्लैंडुलर एंड वास्कुलर हैविंग लॉन्गिट्यूडनल, इसमें रीचेज दिखाई देते हैं अराइजिंग एज अ मिड ईयर इन ग्रोथ ऑफ द डॉर्सल। तो इसका जब मिड ईयर होता है इसका जो भी लाइफ स्पान है उसके जब बीच के एज आता है तो उस समय यह दिखाई देते हैं टाइपोसोलर रीजन आ जाता है। अब पोस्ट टाइपोसोलर रीजन की बात करते हैं, तो पोस्ट टाइपोसोलर रीजन में यहाँ पर देखने को मिलता है कि इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑल्सो नोन एज द रेक्टम, रेक्टम भी कहलाता है पोस्ट टाइपोसोलर रीजन। इट इज एक्सटर्नली मार्क्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल फोर्स विच ओपन आउट बाय या एनस, जो कि एनस के द्वारा यह ओपन होता है। और यहाँ पर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर ऑफ मसल्स, एक पेरिटोनिया जो लेयर होता है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एलिमेंट्री कैनाल का इस तरीके से पाइप है, तो ये तो लेयर कोई ना कोई तो होगा ये सब लेयर। तो पेरिटोनिया लेयर, मस्कुलर लेयर, एंट्री मतलब एंट्री पेथिलियम लेयर, क्यूटिकल होता है, इस तरीके से चार। तो इस तरीके से आप लिख देंगे हो गया। अब यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर के बारे में लिख दिया, अब मैकेनिज्म किस तरीके से डाइजेशन होता है वो थोड़ा लिख देना है। तो पता है कि इसमें एक खास कर आता थोड़ा ये भी लिख देंगे, यानी कि जो आता कुछ कुछ ग्लैंड्स एकाद ग्लैंड्स या एंजाइम के बाद लिख देना मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि इट फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, जो मृत जो जंतु होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ये खाता है। इट ऑल्सो फीड डायरेक्टली अपॉन लीव्स ग्रासेस रेड्स एल्गी एक्सेट्रा, तो जो मल मूत्र होते हैं उसको भी खाता होता है। फिर उसके बाद जो लिप्स ग्रास होते हैं पत्ते उत्ते इसको भी फीडिंग करता है, तो ये डाइजेशन ये सब को करता है। इंजेस्टेड फूड जो होते हैं वह आर पास टू मूव ऑन पोस्टेरियर डायरेक्शन, यानी कि पीछे की साइड वो भोजन जाता रहता है। प्रेजेंट टू मूव इन पोस्टेरियर डायरेक्शन, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन बकल कैविटी, में कोई डाइजेशन नहीं होता है। और बकल कैविटी के बाद यह कहाँ जाता है, सलाइवरी एक्शन होता है कहाँ पर,
फायरिंग्स में और वहाँ पर म्यूसिन ग्लैंड्स होते हैं प्रजेंट, तो फिच लुब्रिकेट द फूड एंड एंजाइम प्रोटीएज, फिच डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जैसे भोजन को खाते तो सिंपल या तो खा लेता है, लेकिन वहाँ पर लुब्रिकेट होता है यानी कि वह पानी पानी होता है, वह भोजन वह इसमें फायरिंग्स में होता है सलाइवरी रिएक्शन के कारण। तो यही सब मैकेनिज्म लिखना है। फिर यहाँ पर जब प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, देन फूड नाउ पास बैक थ्रू ओसोफेगस में आता है, तब ओसोफेगस से डायरेक्ट फूड आता है गिजार्ड में। तो यही मैकेनिज्म हो रहा है। फिर इन गिजार्ड जो ग्रेटिंग मैकेनिज्म अकर्स होता है, ग्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब भोजन अगर इस तरीके से कोई खा रहता है तो उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में ये गिजार्ड करने में मदद करता है, तब गिजार्ड में छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, तब भोजन आता है स्टोमैक में। तो इन स्टोमैक चौकी सिक्रीशन ऑफ कैलकाफेरस ग्लैंड्स जो होते हैं वह सिक्रीट करते चौल की सिक्रेशन लोकेटेड इन स्टोमैक वाल न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में ह्यूमिक एसिड होता है उसको तो सबसे पहले ये न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब करने का मतलब जो अगर एसिडिक मात्रा जो इसके अंदर गया है उसको वह न्यूट्रलाइज कर देता है। इंटेस्टाइनल वाल जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, एमाइलेज, लाइपेज एंड सेलुलोज, विच डाइजेस्ट द यहाँ पर बेसिड पार्ट होते हैं फूड मॉलिक्यूल, बेसिड फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। डाइजेशन जो होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर इन इंटेस्टाइन एंड इट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, टाइफोसोलर इंक्रीज द सरफेस एरिया, टाइफोसोलर रीजन देखते हैं तो वह एब्जॉर्प्शन के लिए जगह को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेटेड आउट एज इट इज़ नोन एज वॉर्म कास्टिंग, जो इस तरीके से जो बहुत देखे होंगे जो केचुआ का आप जरूर देखे होंगे उसका स्टूल तो किस तरीके से रहता है, इस तरीके से गोला गोला रहता है, तो यही वॉर्म कास्टिंग कहलाता है। अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेटेड आउट एज इट इज़ नोन एज वॉर्म कास्टिंग। तो इस तरीके से डाइजेशन के बारे में देख ले। इस तरीका जूलॉजी नर्स पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पढ़ने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।